हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म को देखेंगे जिसका नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर आप 12th क्लास पे हो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है उसमें ये टर्म आपको देखने को मिल सकता है, EAN। अगर आप सेमेस्टर में हो तो सेमेस्टर में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर में आप लोगों को दिखेगा, EAN कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा। ठीक है, तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है? कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, समझो इसे, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या हम कह सकते हैं कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, उसमें सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, समझ में आया? अब डेफिनेशन पढ़ो, क्या कहता है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल आयन इन ए कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्लियर है? इस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को हम क्या कहते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल कहते हैं। क्यों कहते हैं हम आगे समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा क्यों कहते हैं। देख लो, जब हम EAN किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कैलकुलेट करते हैं तो जो भी नंबर आता है वो उसके नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आता है। ठीक है, अब EAN हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो बहुत मेथड है। आप क्या कर सकते हो कि हम सबसे पहले देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं ऑन द सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, हम उसमें ऐड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड। जैसे देखो, हमारा मान लो कोई एग्जांपल है CONS3 का होल 6 3+। ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और ये हमारा सेंट्रल मेटल है। हमको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल मेटल आयन वो देखेंगे कि कितना है, हम उसमें ऐड करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड। ठीक है, लिगेंड क्या है, तो जो भी यहाँ हमारा सेंट्रल मेटल के साथ जो मॉलिक्यूल अटैच्ड है दैट इज कॉल्ड लिगेंड। ये न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, या एक और मेथड है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए, जो भी एटॉमिक नंबर है हम उसे लिखेंगे, हम उसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर उस सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा उसको माइनस करेंगे और हम लोग ऐड करेंगे 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये जो 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर जो ऐड कर रहे हैं ना, यही हमारा इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड है। क्लियर है? जब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, ये जो EAN रूल जो है वो क्या कहता है, तो ये रूल हम लोगों को ये बताता है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल आयन है वो इलेक्ट्रॉन्स को तब तक एक्सेप्ट करेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो लिगेंड दे रहा है इलेक्ट्रॉन, वो लिगेंड वाले इलेक्ट्रॉन को तब तक एक्सेप्ट करेगा जब तक कि उसका जो एटॉमिक नंबर है, देखो कह रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द मेटल आयन इन ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूज टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम द लिगेंड। वो क्या करेगा, वो लिगेंड से तब तक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता रहेगा जब तक कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल आयन बिकम्स इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। वो कब तक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जब तक कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो सेंट्रल मेटल एटम के पास है वो उसके नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा आएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इस फॉर्मूला से, ठीक है, समझ रहे हो ना, EAN जो आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल मेटल आयन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो जो हमारा जेड होगा किसका, तो नोबल गैस का। ठीक है, अगर ऐसा आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल है। ठीक है, लेकिन आप देखो, ये जो हमारा रूल है ये ज़रूरी नहीं है कि ये नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आए। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ये जो हमारा EAN है वो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर तो है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कंडीशन। ये सिग्निफिकेंट फैक्टर है बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, अब देखो एक दो हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लो आप, CONS3 का होल 6 3+, हम यही ले लेते हैं। देखो CONS3 का होल 6 2+। देखो EAN कैलकुलेट करने के पहले आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना आना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। अब देखो ये CO, इसका एटॉमिक नंबर कितना है CO का, तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, देखो हम ये फॉर्मूला से कैलकुलेट कर रहे हैं, जेड माइनस ओ एन प्लस 2 × CN यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो, तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो कैसे करते हो, कोबाल्ट को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स। ठीक है,
प्लस एन एस थ्री का कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर? जीरो हो जाएगा। न्यूट्रल है कितना है? तो छः है, तो क्या हो जाएगा ये? ज़ीरो इक्वल टू प्लस टू। ये टू स्टेट में नहीं रहता, ये थ्री प्लस के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो थ्री प्लस हो गया, यानी एक्स इक्वल टू थ्री प्लस थ्री। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया मेरा इसका? तो प्लस थ्री हो गया, माइनस थ्री यहाँ पे कर दो। अब इसका देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो किसी भी सेंट्रल मेटल एटम से जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है, जितने नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो छः कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, और हम क्या बोले उसको क्या करो आप, प्लस करना है ना यहाँ पे, टू इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर छः, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, 27 माइनस 3 प्लस 12 कितना आ जा रहा है देखो तो, कितना आ जाएगा आपका ये 36, ठीक है। यानी ये जो 36 आ रहा है ये क्या है? एटॉमिक नंबर है किसका? क्रिप्टॉन का, ठीक है। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर है, यानी नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आ जा रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि दिस कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या कर रहा है? ओबे कर रहा है किसको? ई ए एन रूल को, ठीक है। तो ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स तो सारे स्टेबल होंगे, ठीक है, लेकिन ई ए एन रूल को अगर फॉलो कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है, ठीक है। यानी हम शुरू में ही कह दिए कि ये जो ई ए एन रूल है, ई ए एन यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट फैक्टर है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब ऐसे ही आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ई ए एन रूल फाइंड आउट करने की कोशिश करना। एक और हम लोग ले लेते हैं जिसमें हमारा न्यूट्रल लिगेंड है एन आई सी ओ होल फोर, ठीक है। अब इसका कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा। कोबाल्ट न्यूट्रल है, जीरो हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का कितना हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो हो गया, अब आप ई ए एन रूल ई ए एन जो है वो फाइंड आउट करो निकल, यानी देखो अब इसे एक बार हम लोग देख लेते हैं ये फॉर्मूला से। इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल मेटल आयन, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा सेंट्रल मेटल आयन के पास? तो एटॉमिक नंबर कितना है निकल का? 28। अगर इसका कुछ ऑक्सीडेशन नंबर आता तो माइनस करते, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है तो अब हम क्या करेंगे? माइनस नहीं करेंगे, अब हम लोग ऐड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड, ठीक है। कोबाल्ट, कोबाल्ट अगर एक रहता तो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, यहाँ चार है तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वही सेम रूल है, हम लोग कह सकते हैं टू इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो प्लस टू इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। आप ऐड कर दो 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा? सॉरी नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, अब देखो 28 प्लस 8 कितना हो गया? 36। यानी ये भी एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टन के इक्वल है, ठीक है। यानी कह सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स में भी जो हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया वो किसके इक्वल आ रहा है? एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टन, यानी नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ना कि दिस कॉम्प्लेक्स ऑल्सो ओबेस, दिस कॉम्प्लेक्स ओबे ई ए एन रूल, ठीक है। ऐसे ही हम बहुत सारे कंपाउंड का ई ए एन रूल फाइंड आउट करेंगे। आप लोग कुछ मैं आप लोगों को होमवर्क दे देती हूँ जिसे आप सॉल्व करना। जैसे कि एक दो कॉम्प्लेक्स मैं लिख के दे दे रही हूँ, मान लो एफ ई, हमने सी ओ लिया था ना, अब आप एफ ई सी ओ फाइव, सॉरी अब आप क्या करना, एफ ई सी ओ फाइव, इसका आप क्या करना, ई ए एन फाइंड आउट करके देखना कि क्या ये ई ए एन रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। सेकंड आप लिख लो, आप ए जी, ए जी एन एच थ्री, ठीक है, ए जी एन एच थ्री 4 लिख लो यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका यहाँ लिख लो प्लस, ठीक है। इसका आप ई ए एन जो है वो फाइंड आउट करके देखना, क्लियर है। तो इस तरह से हम डिफरेंट कंपाउंड का ई ए एन जो है वो फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि क्या वो कॉम्प्लेक्स ई ए एन रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस तरह से ई ए एन जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहना और सॉल्व करते रहना बहुत सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। थैंक यू।